जी तेरा स्ट्रगलिंग डे आ रहा है, ऐसे कंडे की ट्रे थी एक हाथ में चलना था। हमारा एक अपडेट और है जो सर पे होम है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 12th ऑफ फरवरी, आज संडे है। और यार अब हम लोग दो दिन से ना कोई व्लॉग नहीं ढंग से हो रहा, शूट दोनों दिन हुआ, एक दिन 6 मिनट का एक दिन 7 मिनट का, इसलिए वही अपना ऑल्टरनेट पे जा रहे थे यार। व्लॉग बिल्कुल ही इतना उलझा पड़ा हुआ भाई, एक तो नींद का कोई हिसाब नहीं है। आज भी मैं 11:30 उठा हूँ, कल काम पे तो चला गया, सुबह जो शरीर टूटा है मेरा वही लगते तो ऐसे दुख रही थी, आदत ही नहीं इतना काम करने की। और अभी मैं गिलफर्ट जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या है रेस्टोरेंट के भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है भाई कि आपको एंटी स्लिप शूज़ पहनने हैं, फिसल के आप गिरते पड़े रहो कहीं, तो एंटी स्लिप शूज़ हो गए और जीन्स अलाउड नहीं है, लोअर लेने हैं, मेरे पे ब्लैक लोअर नहीं है, अब वो सब वॉलमार्ट से लेने जा रहा हूँ, एंटी स्लिप शूज़ वॉलमार्ट से मिलने हैं तो वहाँ जा रहा हूँ। कुछ ग्रॉसरी भी ख़त्म है, पता नहीं मेरे को हर हफ्ते मेरी ग्रॉसरी कैसे मुक जाती है यार। वो एक्चुअली दूध हो गया, अंडे हो गए भाई, ये तो फिर ख़त्म होने है, ब्रेड होगी तो फिर ये मैं इकट्ठी अब हफ्ते की ले आऊँगा। बस वॉलमार्ट तो आ गया हूँ और ट्राउज़र तो मिल गई है, मतलब वही ब्लैक कलर की जो ब्लोअर था। और भाई पता है मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, एक ही रीज़न है उसका भाई, कल ना मैं काम पे गया ना, कल एक टी शर्ट नई ली है उन्होंने भाई, वो ना खाने से भर गई थी बुरे तरीके से, तो इसलिए मुझे मैं कहा ऐसे नए कपड़े तो वहाँ पे पहन कोई फ़ायदा नहीं, अच्छे तो घर पे तो मेरे पास पड़ी है ऐसा अच्छी कंपनी की ट्राउज़र, वो तो मैं पहन ही नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ से सस्ती सी ले रहा हूँ। मुझे पता हर रोज़ धुल जाओ, वो हर रोज़ ही ख़राब होनी है, तो यहाँ से दो लोअर उठा लेते हैं। और यार शूज़ इतने सारे हैं भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है एंटी स्लिप कौन सा है। मैंने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया भी है भाई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है यहाँ पे, अनाउंसमेंट भी हुई है कि कोई शूज़ सेक्शन में चला जाओ, तब भी कोई नहीं आ रहा है। मैं तो निकल रहा भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पे, आज बोल दूंगा मैं मिले नहीं, कल मेट्रो टाइम जाऊंगा ना जब यार वहाँ के वॉलमार्ट में चेक करूंगा, यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई मैं ना अपना मॉल के अंदर ही था, मतलब वॉलमार्ट के अंदर, और भाई मैं शूट करने लगा ही हुआ था लेकिन मेरा सामान इतना ज़्यादा बढ़ गया, हालात देखे मतलब पता है मैं कैसे आया हूँ, ऐसे कंडे की ट्रे थी एक हाथ में थैला था और ऐसे था, गलती से धक्का धुक्का लगा, मेरे 30 अंडे गए भाई जी, तेरा स्ट्रगलिंग डे आ रहा है, मेरा इतना ज़्यादा हाथ दुख रहे हैं, ये ऐसे हाथ था ना मेरा बस पूरा पम्प दो रखा था भाई, इतना बुरा हाल, अभी तो मैंने ऐसे स्टॉप पे रखे हैं और मुझे है कि मैं बस कैसे चढ़ूंगा एक हाथ में ऐसे और दूसरे हाथ में ऐसे थैला लगा, मैं टैप कैसे करूँगा कार्ड को, बहुत ही भाई है, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग होती है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल ही हो जाता है बंदा ऐसे देखकर। अभी सामने से बस निकली क्योंकि मैं लेट था, 1 मिनट लेटा बस निकल गया, 15 मिनट वेट करनी पड़ेगी, मैं बहुत स्ट्रगल है स्टूडेंट लाइफ की बहुत ज़्यादा भाई। यार जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है भाई कि ना 4 बजे जॉब है और अभी 3:20 हुए हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है भाई, तो मैंने 2 ब्रेड पीस कर लिया, सब्जी तो बनी हुई थी, साथ में कोक चाय का भी टाइम नहीं है, कुछ तो साथ में पिए। और गाइस घर में ना 3 दिन से सब्जी खत्म हो रखी है, पीछे जब ग्रॉसरी लेने के ना बियर साथ गया, कह रहा कहाँ इतनी महंगी सब्जी लेगा, मैं ग्रॉसरी स्टोर में लगाऊँ मैं ला दूंगा, मैं कहा सही है ले आइयो, अरे आज तक वो सब्जी नहीं आई है अभी तक, फिर बोल रहे भाई ला दे सब्जी, यहाँ घर में कुछ पड़ा नहीं है, आज तो मशरूम बनाए थे, आलू मशरूम बना लिया, ऐसे सब्जियाँ मैं कॉम्बिनेशन तो मैं करते ही रहता हूँ ऐसे अलग अलग से, जो अंजी पड़ी होती है मैं उसको मिक्स करके एक सब्जी बना देता हूँ, बढ़िया बन जाती है भाई। अब आटा वगैरह तो बनाया है, आप रात को आगे सीधा रोटी बना के सो जाएंगे, एडिटिंग तो पड़ी है भाई, थोड़ी है कंपाइलेशन तो होगी है, थोड़ी बहुत पड़ी है कर लेंगे वो भी। और भाई इतना हल्का तो ऐसे जिम वाली फील आ रही है ना, कोई लोअर पहन लिया ऊपर ऐसे ट्रैक सूट के जैकेट पहननी है, क्योंकि ये सही है भाई रेस्टोरेंट, तो इसका स्टाफ बहुत बढ़िया, बस रेस्टोरेंट ऐसे कूल होकर काम करो भाई, मज़ा आता है ऐसे खुल्ले डुल्ले, ये तो कहीं भाई कहीं पर कहते हो ट्राउजर पहन लो ये वो मज़ा नहीं आता, फिर औखा से लगने लगा जाता है ऐसा, जूतों का देखते हैं अगर आज क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा रहा हूँ, बोला तो कह दूंगा भाई मैं नहीं मिले कल ले आऊँगा और क्या। यानी जबरा क्रॉसिंग में इतना साफ है ना, सामने से मेरे बस निकल के गई क्योंकि मेरी रेड लाइट था, मैं क्रॉस नहीं कर सकता था, क्या कर सकते हैं भाई जाने को, तो मैं रेस्टोरेंट तो पैदल भी जा सकता हूँ, 5 मिनट ही लगता है, पर बारिश हो रही है भाई ऊपर से, जो बस पास फ्री है मतलब कॉलेज को भरे हैं पैसे पर फ्री तो है ही अब मेरा, तो भाई क्यों पैरों को कष्ट देना है, मैं तो बस पकड़ के जाएंगे आज ही 5 मिनट में, रेस्टोरेंट आ तो गया है और मैं तो लूँगा बैकडोर एंट्री बिकॉज आई एम एम्प्लॉय। चलते हैं भाई, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हद से ज़्यादा तेज़ हो रही है। वैसे अभी ना 8 बजे है और मैं अपनी जॉब से वापस आ गया हूँ भाई, मतलब मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो 8 बजे तक भी शिफ्ट नहीं मिली, 7:30 कहते जाओ, कहते हो कोई काम ही नहीं है मतलब आपके लिए, बंदा क्या बोल सकता है, आना पड़ा 7:30 बजे पंच आउट करके भाई, अब तो ऐसा लग रहा है घंटे 20 भी नहीं मिल रहे, चलो इस हफ्ते तो स्टार्टिंग थी मिलने भी नहीं थे, अगले हफ्ते भी कुछ ज़्यादा नहीं मिले आपको, ऐसा लग रहा है मुझे कि उनको प्लान भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा भाई, ऐसा तो मेरा महीने का खर्चा ना चले, करते हैं उसको भी प्लान भी को एग्जीक्यूट भाई, क्योंकि यहाँ पे तो शाम की शिफ्टें मिल रही है मेरे को सारी, देखते हैं कुछ दूसरा प्लान, मैं प्लान तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं भाई, ऐसे मैं कोई भी सिचुएशन के लिए मैं तैयार तो रहता ही हूँ, ऐसे मैं चलता हूँ प्लान करके भाई, एक ही चीज़ पर तो मैं कभी भरोसे रहता ही नहीं हूँ,
तो देखते हैं उस चीज़ को भी यार। और अब घर चलते हैं, बारिश ने जान ली हुई है भाई, हद हो गई है, सुबह की हो ही जा रही है, क्या कर सकते हैं भैया। और गाइस आज ना कुछ मैंने स्पेशल बनाया है, मैं कह रहा रोज रोटी खा खा के भी पक गई है भाई। और ऊपर से जब मैं वॉलमार्ट गया था ना, मैं वहां से दही उठा लाया था, मैं कहूँ बहुत दिन हो गए, दिन क्या भाई, जब से इंडिया से आया हूँ ना 1.5-2 महीना हो गया दही नहीं खाया मैंने। मैं कह यार दही खाते हैं, दही तो था ही, मैं कहा भाई देसी घी के परौंठे बनाए जाए। भाई परौंठे बनाए यार तुम्हारे भाई ने, पहली बार जिंदगी में परौंठे बनाए, इतने बढ़िया परौंठे बने हैं ना जैसे मम्मी बनाती थी डिटो वैसे। और परौंठे मैंने ट्रिक क्या है पता है, यहाँ पे कैसे भाई चार परौंठे बनाने, मान लो दो बनाने आपने, पहला ठंडा हो जाएगा जब तक आप बनाओगे, पता है अगर परौंठे हो ना पहले पका लो, उस पर देसी घी वगैरह कुछ लगा लो, पका के जब सारा काम निपट जाए ना उसके बाद जाके चाय वगैरह बन गए उसमें देसी घी के अच्छी तरह सेक लो, गरम गरम परौंठे भाई मजा आ जाएगा, मुंह में पानी खा रहा है भाई दही और परौंठे। ओहो हो आप भी सोचोगे रात को परौंठे खा रहा है ये बंदा, भाई कोई नहीं चलता यार खा लेंगे, खाते वैसे वेट नहीं हो रही है, पेट भर के खाना खाने के बाद जो नींद आती है ना भाई हद से ज्यादा आती है। मैं तो बेड पे क्या बैठा हुआ झुकिया खा गया था भाई, मैं तो 15 मिनट सोया भी हूँ बीच में, बाद में भाई काम तो निपटा के सोऊंगा किसी का, चलो अच्छी बात है भाई नींद आ रही होगी, मैं तो मेरा नाइट शेड्यूल वैसे ठीक करना चाहता हूँ, कहाँ भाई मैं 12-1 बजे उठता हूँ, वो चीज़ मेरे को गंदी लगती बहुत ज़्यादा यार। तो ब्लॉग तो अपलोड कर दिया, अब किचन में हद्दी भर के बर्तन है और सारे अभी निपटाने हैं, कल भी कॉलेज का कल भी पता नहीं खाने का भाई, तो ये बहुत गंदी चीज़ लगती है मेरे को, ये कि एक दिन खत्म है तो दूसरे दिन की पहले टेंशन चढ़ जाती है क्या करना है अब, कल की और है, ऊपर से वही कल एक असाइनमेंट मिली थी उसका ना प्रिंट आउट निकलवाना है, वो कल ही सबमिट करनी है अब, वो कॉलेज जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे को, उसका प्रिंट आउट निकलवा के भी ना मतलब वो करना है भाई, अब क्या करिए, प्रिंट आउट की सर्विसेज भी यहाँ पे कितनी महंगी पड़ती हैं, बोलूँगा अगली बार से मैम को कि ऐसे कुछ दिया करो भाई, हमें प्रिंट आउट नहीं निकलवाना पड़ेगा कम से कम, देखते हैं चलो। और भाई हाल हमारा का एक अपडेट और है, मेरी एक भाई से बात हुई इंस्टाग्राम पे, जो सर्वे फॉर्म है ना ऐसी सुनने में आया कि फेब लास्ट में निकलेंगे, फेब एंड में, तो उस हिसाब से अपना प्रिपेयर रहना। और भाई जब भी सर्वे फॉर्म निकले मुझे पता नहीं लगेगा, बिकॉज मैं कॉन्टिन्यू स्टडीज में, मुझे नहीं पता इस बार मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, तो जिस भी भाई को सर्वे फॉर्म आए ना यार, जिसको भी मुझे एक बार अपडेट कर देना था कि मैं भी ब्लॉग में अपडेट करता हूँ भाई, कि किसी की रजिस्ट्रेशन रुके ना या फिर किसी का ऐसा टाइम क्लाइम वो ना हो खराब हो, तो मुझे भी अपडेट कर देना, अगर तुम्हें कुछ लंगाना का पता लगता है मुझे बता दिया करो, मुझे तो जो पता लगता है मैं ब्लॉग में अपडेट कर ही देता हूँ तुम लोगों को, ताकि भाई किसी का कोई कोर्स ना फंसे, बाकी कोई डाउट वगैरह मेरे से पूछ लेना, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। तो वैसे अभी अभी एक्सरसाइज करके हटाऊँ, सांस चढ़ी है भाई, और इतना अच्छा लगने लग गया ना एक्सरसाइज करके, मतलब बैक के साथ साथ ना मैं थोड़ी पुशअप्स भी कर लेता हूँ, तो सही रहता है यार बॉडी चलती है ना, क्योंकि मेरा स्टैमिना हद से ज़्यादा गिर गया था, पुशअप्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, मतलब ये ऑल ओवर बॉडी जो वर्कआउट्स होते हैं ना एक एक्सरसाइज में आपका सब कुछ पंप हो जाता है, वो सब कर लेना चाहिए घर पर, तो वो सब किया है। और भाई प्लान भी एग्जीक्यूट करना है कल, प्लान भी यार मैं बता ही देता हूँ मैं क्या है प्लान भी भाई, एक्चुअली क्या कि मेरी बियर से बात हो रही थी, अभी इतने घंटों में कुछ होना नहीं है पता, मैं ना साइड बाई साइड ना जैसे यहाँ पे तो पक्का मेरी शाम की शिफ्ट ही होनी है, हर जब भी होनी है, सुबह मैं बेल रहा हूँ भाई 4 बजे शिफ्ट होती है, अगर होती भी है 3 बजे तक, मैं मतलब यहाँ पर तो मैं 4:45 भी निकलता हूँ तो भी पहुँच जाता हूँ 4 बजे, 4:45 तक बेल होता हूँ मैं, तो मैं कल अपने रेज्यूमे और यहाँ आसपास ही दूंगा कि ना मेरी कहीं यहाँ पे और जॉब लग जाए, वैसे भी एकदम से तो लगती नहीं है, मान लो कहीं कभी हायरिंग हुई तो मेरी सुबह कहीं पे अवेलेबिलिटी दे दूंगा, सुबह कहीं पे लगती हूँ वहाँ पे भी लग लूंगा मैं, क्योंकि अब 40 घंटे जब मैं एलिजिबल हूँ भाई, और वो 31 दिसंबर तक है, क्यों अपने घंटे वेस्ट करने, जब कॉलेज भी अभी आसान है, मेरे 2 सब्जेक्टों में पढ़ता भी नहीं ढंग से, एक कंप्यूटर की मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल भी है उसमें पढ़ना पड़ता है बस, बाकी 2 तो मैं पढ़ता भी नहीं, तो भाई उस चीज़ का भी बेनिफिट उठाऊ ना, कहीं एक चीज़ का आसान है तो दूसरी साइड अभी अपना जितना हम घंटे काम कर लेंगे, कल को फिर जब मैंने 4 कोर्स लिए फिर मुश्किल हो जाएगा काम करना, तो इसलिए बैलेंस कर रहा हूँ मैं अपना ये सब, कल अपना और रेज्यूमे वगैरह देते हैं वो सब करते हैं, अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।